काल व्याल विलासिन गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य नमो परेभ्यो परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्य नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्य। सभी दर्शकों का चंबा हलचल मीडिया नेटवर्क पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिनांक 21 सितंबर 2017 से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। मैं जय कुमार शर्मा चंबा हलचल के माध्यम से नवरात्र पर भगवती की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, व्रत की क्या विधि है, 9 दिन भगवती के 9 रूप कौन कौन से हैं, शक्ति पीठ कितने हैं इत्यादि पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, जिनमें 2 गौण रखे हैं और 2 प्रचलित हैं। प्रथम बसंत नवरात्र जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। उसी में हमारा भारतीय विक्रम संवत का प्रवेश होता है। दूसरा जो गौण नवरात्र है वो आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक माना जाता है, उसे गुप्त नवरात्र भी कहते हैं। और तीसरा नवरात्र अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से रामनवमी तक, जिसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। चौथा नवरात्र जो है वो माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक जो है उसे भी नवरात्र गिना है, पर ये 2 नवरात्र गौण है और 2 का प्रचलन है। नवरात्र में क्या क्या निषेध है, मध्य यानी शराब पीना, मांस खाना यानी अभक्ष्य पदार्थ जो हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं वो नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन गरिष्ठ भोजन ये वर्जित है। नवरात्र में खास तौर पर फलाहार खाने की ही विधि है। फलाहार खाने से एक तो आदमी की पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, पेट में गैस नहीं बनती है और उसका ध्यान जो है वो पूजा में लगता है, इसलिए फलाहार का विशेष महत्व है। फलाहार में मुख्यतः सिंघाड़े का आटा, कुट्टू जैसे हम फूलन कहते हैं, अपनी स्यूल कहते हैं, इस किस्म के जो है फलाहार या फलों का रस, फल वगैरह का विधान बताया गया है, दूध भी ले सकते हैं। भगवती के 9 रूप नवरात्र में 9 रूप जो है की पूजा की जाती है। वैसे तो विद्या में ऐसे बहुत से भगवती के रूप हैं पर 9 रूप मुख्यतः। कल 21 सितंबर को पहले नवरात्र में प्रथमम शैलपुत्री च, पहले नवरात्र में भगवती शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है कि पर्वत की पुत्री, हम सभी पर्वतवासी हैं, पर्वत की पुत्री यानी पार्वती, भगवती पार्वती की पूजा की जाती है पहले दिन शैलपुत्री में। पूजा की विधि जैसे हमारे सुहागी जिसको कहते हैं, गंध अक्षत पुष्प जैसे हम पूजा करते हैं, घी का दीपक और खेती, जौ को बीजने का विशेष महत्व है। यवा वृद्धि करा प्रोक्ता, जौ को बीजने से वृद्धि की प्राप्ति होती है और जौ के उगने पर आदमी के अगले वर्ष 1 साल तक धन धान्य आदि कैसा रहेगा, परिवार में कोई सुख संपत्ति कैसी रहेगी, उसमें भी कई विद्वान लोग जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि खेती के बीजने पर हमारा साल ये कैसा जाएगा, खेती के उगने पर ही वो अगले वर्ष का संकेत दे देती है नवरात्र के लिए, इसीलिए खेती। और दूसरा हरियाली, हम जो है वो कृषि प्रधान देश हैं, हो सकता है सर्वप्रथम हमारे पूर्वजों ने खेती शुरू की थी तो जौ की होगी, इसलिए जौ का विधान जो है बड़ा इसमें महत्व देता है।
दूसरा रूप है द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, भगवती ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्येती ब्रह्म, मतलब जो सद्गुणों की युक्त भगवती का रूप है वो ब्रह्मचारिणी का माना गया है। पूजा की विधि सब भगवतियों की एक सही है, रूप अलग अलग है। तृतीयम चंद्र घंटेती, तीसरे नवरात्र की भगवती जो है वो चंद्रा चंद्र घंटा के नाम से है। तृतीयम चंद्र घंटेती पुष्मांडेती चतुर्थकम, और चौथी नवरात्र जो है भगवती पुष्मांडा के नाम से है। फिर पंचमम स्कंद माता च, स्कंद माता भी भगवती पार्वती ही है पर इसमें अलग उन्होंने भगवती पांचवी को स्कंद माता कहा गया। षष्ठी कात्यायनी, छठा रूप जो है भगवती का वो कात्यायनी है। सप्तम रूप जो है वो कालरात्रि है। महान गौरी थी चाष्टमम, अष्टम नवरात्र जो है वो महान गौरी का है। नवमम बुद्धिदात्री च, और नौमा जो है भगवती का वो बुद्धिदात्री का रूप है, इसलिए नौ नवरात्र में सबसे अंत में जो भगवती का नाम है वो बुद्धिदात्री है। अगर हमें बुद्धि ठीक हो हमारी तो सारे काम ठीक होंगे। बुद्धि से ही काम अच्छे बनते हैं, बुद्धि से ही बुरे बनते हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, इसलिए भगवती की नौमा रूप जो है वो बुद्धिदात्री है। ये भगवती के नौ रूप हो गए। नवरात्र में विशेषतया दुर्गा सप्तशती का पाठ और श्रवण का विधान है। नौ दिन अखंड ज्योति भी जगाते हैं, जो समर्थ्यवान लोग हैं अखंड ज्योति ना जगा सकें तो घी का दीपक जितना टाइम से जगाएं, और कम से कम दुर्गा सप्तशती का संस्कृत में पाठ ना कर सकें तो हिंदी में जरूर पढ़ें, रोज पढ़ें, नहीं तो कवच अर्गला कीलक तीन तो पढ़ना चाहिए तीन रूपों में। तो सप्तशती में 700 श्लोक हैं भगवती के। अब सप्तशती में अगर धार्मिक उसको ना लेकर हम वैज्ञानिक ढंग से भी उसको ले लें तो सप्तशती के तीन पात्र हैं। सप्तशती में जो शुरू में होता है कि सुरथ नाम राजा, समाधि नाम वैश्य और मेधा नाम के ऋषि। इन सप्तशती में कथा ये है कि सुरथ नाम का जो राजा था उसको शत्रुओं ने भगा दिया और जंगल में चला गया, सब कुछ उसका नष्ट हो गया। तो उसको समाधि नाम का वैश्य जो था वो भी उसको घाटा पड़ा था, उसका भी दिवालिया हो गया था, वो भी चला गया। और वो दोनों राजा मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे, ऐसी सप्तशती की कथा है। इसका तात्पर्य यह है कि आदमी सुरथ क्या है, रथ है हमारा मन, उसको हम अच्छी कार्यों में लगाए और जो है किसकी आज्ञा से मेधा, मेधा ऋषि के, मेधा ऋषि बताया है तो मेधा हमारी बुद्धि है, बुद्धि से हम मन को कंट्रोल करके अच्छे कार्यों में लगाए तो वैश्य जो है बढ़िया जो है समाधि बताया, तभी हमारी समाधि लग सकती है, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। सप्तशती खाली पठन मात्र से नहीं है, सप्तशती को पढ़ने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने मन को सुरथ बनाएं और मेधा के द्वारा बुद्धि को रथ मन रूपी रथ को करके किसकी उससे मेधा ऋषि के द्वारा, तभी वैश्य जो है वो समाधि नाम वैश्य जो है हमारे कंट्रोल में रहता है, हमारी समाधि लगेगी और हम मुक्ति को पाएंगे। भगवती के बुंजा शक्ति पीठ हैं, कुछ तो हमारे अखंड भारत का जब खंडन हुआ तो जैसे हिंगलाज माता ऐसी माताएं चली गई, हमारे हिमाचल में भी ज्वाला जी और नैना देवी, ये दो शक्ति पीठ हिमाचल में हैं। तो इसीलिए हमारे हिमाचल में और बंगाल में भगवती की पूजा का ज़्यादा महत्व है। नवरात्र में सबसे ज़्यादा कन्या पूजन का महत्व है। कन्या भी 10 वर्ष से अंदर अंदर पूजना चाहिए। अष्ट वर्षा भवेद गौरी, नव वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या, अतः ऊर्ध्वरजस्वला,
8 साल की कन्या जो है उसकी संज्ञा होती है गौरी, 9 साल की रोहिणी और 10 वर्ष की कन्या। कन्या के साथ गणपति के रूप में गणेश भगवान की पूजा करते हैं जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, और बटुक भैरव जो हमारे उपद्रव हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश करते हैं उनका पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने का मतलब यह है कि हम कन्या का ये नहीं कि पांव धुलाए, चुन्नी दी, हलवा दिया और कन्या पूजन हो गया। कन्या की पूजा को वास्तु रूप में करना चाहिए। आज बड़ा दुख होता है रोज अखबारों में पढ़ करके जो हमारे समाज में हो रहा है। कन्या पूजन का हमारे ऋषियों ने यही बताया था कि कन्या को हम साक्षात देवी माने। अगर हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आज भी कन्या को जैसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि मानते थे, चलते थे, वैसे हम पूजा करें, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि कन्या पूजन करने के बाद अपने मन में ठान लें कि प्रत्येक कन्या एक साक्षात भगवती का रूप है। और भगवती की पूजा में भी लिखा है, विद्या समस्ता सतब देवी भेदा स्त्रिया समस्ता च सकला जगत सु, हे मां जितनी भी विद्याएं हैं वो सारे तेरी भेद हैं, और संसार की जितनी ही भी औरतें हैं वो सभी तेरा ही रूप है। अगर हमें चाहिए कि संसार की जितनी भी औरतें हैं हम उन्हें देवी के रूप में देखें, तो मेरे ख्याल में ये जो गलत काम समाज में हो रहे हैं ये ना हो। तो एक पंडित होने के नाते, कर्मकांड से जुड़ा होने के नाते, मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों को भी इस प्रकार के संस्कार दें और नवरात्र को धूमधाम से मनाएं, खेती भी बाएं, कन्या का पूजन भी करें और कम से कम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और उसमें ये ध्यान रखें कि हम सुरथ बने और मेधा नामक ऋषि यानी बुद्धि को अच्छे उसमें लगा करके मुक्ति को पाएं, यही मेरी आपसे कामना है। अब हमारे पूजन के लिए कुछ लोग तो अष्टमी को ही समाप्त कर देते हैं, कुछ नवमी को कर देते हैं। अब लोगों में शंका पैदा होती है कि अष्टमी पूजना चाहिए या नवमी पूजनी चाहिए, तो इसमें मैंने पहले ही कह दिया है कि अष्टमी जो है वो महागौरी तिचाष्टमम भगवती महागौरी का रूप अष्टमी है, और नवमम सिद्धिदात्री च, नवमी रूप या भगवती का सिद्धिदात्री है, सर्व सिद्धि देने वाली है। अष्टमी पूजो या नवमी पूजिए इसमें कोई इसका वो भेद नहीं है। हाँ, पंजाब में बंगाल में अष्टमी पूजते हैं, हमारे पहाड़ों में नवमी पूजते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अष्टमी भगवती महागौरी का रूप है और नवमी जो है वो सिद्धिदात्री है। शारदीय नवरात्र का एक और महत्व है दशहरा। तो दशहरा जो है वो इसलिए मनाया जाता है कि अपने इस दौरान भगवान श्री राम ने लंका में युद्ध करके रावण को परास्त करके और समस्त दुष्टों का नाश करके माता सीता को अयोध्या लाए थे, और विजयादशमी पर हम उसके प्रतीक में रावण रूपी अहंकार को जला देते हैं। नवरात्र में दशहरे का और भी महत्व शारदीय नवरात्र में बढ़ जाता है। तो हर वर्ष हम रावण को जलाते हैं, हर वर्ष मेघनाथ को जलाते हैं, हर वर्ष कुंभकर्ण को जलाते हैं, हमने उससे क्या सीखते हैं? रावण जो था वो अहंकारी था। रावण को जलाने का मतलब है कि हम अपने अहंकार रूपी रावण को जला दें। हर आदमी के अंदर ईगो है, और चाणक्य ने लिखा है, सर्वे यत्र विनेतारा सर्वे यत्राभिमानिना सर्वे महत्वमिच्छन्ति कुलम तद वसीदति। जहां पर हर घर में नेता हो, हर घर हर आदमी ईगो रखने वाला हो, हर आदमी सेल्फिश हो, उस घर का, उस परिवार का, उस मोहल्ले का, उस देश का नाश हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें रावण को जलाने के पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, रावण के अंदर जैसा अहंकार था हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत अहंकार है, तो वो अगले साल को खत्म हो जाए और हम प्रण लेकर के चलें कि अहंकार ना हो। अब कुंभकर्ण एक आलस्य का प्रतीक है जो 6 महीने सोया ही रहता था। अगर हम भी ऐसे सोए रहेंगे तो कैसे जी पाएंगे? तो कुंभकर्ण को जलाते वक्त भी हम ये रखें कि हम ऊर्जावान बने। जैसे कहा है वाम के कली शयान भक्ति
संजिहा नस्तु द्वापरा उत्तिष्ठत त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण तस्मात् चरेवेति चरेवेति चरेवेति। जो सोया है वो कलयुग है, कली शयान भवति संजिहानस्तु द्वापरा, जो ऐसे ऐसे कर रहा है आंखें नीचे रहा है वो द्वापर है। उत्तिष्ठत त्रेता भवति, जो खड़ा हो गया वो त्रेता है। कृतम संपद्यते चरण, जो चल रहा है वही सतयुग है, इसलिए हम सतयुग के वक्त में जिए, तस्मात इसलिए हमें चलना चाहिए। चरेवेति चरेवेति चरेवेति। तो कुंभकर्ण जलाने का मतलब नहीं कि पुतला जलाया पटाखे सुने और चले आए उसकी लकड़ियों को लेकर घर में, हमें ये दिखना चाहिए कि हम साल भर ऊर्जावान बने रहें। सोना भी जरूरी है, जितना सो सकते हैं उतना सो। मेघनाथ अति बलशाली था, तो बलशाली होने के नाते नाते उसमें भी गर्व था। तो गर्व जो है वो भी नहीं बताया है। स्कूलों में हम पढ़ते हैं घमंड का असर नीचे, पर फिर भी हम घमंड करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो है। तो तीन चीजों को जलाने का मतलब ये है कि हम जो तामसिक प्रवृत्तियों को त्याग दें। दशहरे का ये महत्व नहीं है, आगे आप इंतजार कीजिए, करवा चौथ आ रही है, करवा चौथ के ऊपर विस्तृत रूप से व्याख्यान करेंगे। करवा चौथ का असली महत्व क्या है, गौरी पूजा ही क्यों की जाती है, और इसके अलावा करवा चौथ के ऊपर काफ़ी प्रकाश डालेंगे। आगे समय समय पर जो हमारे त्यौहार आएंगे उन त्यौहारों के ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। एक मैं दर्शकों को कह देता हूँ कि लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, कई फ़ोन भी आ रहे हैं कि जी करवा चौथ मोखने वाली है कि नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं कह देता हूँ कि इस बार करवा चौथ मोखने वाली नहीं है, इस भ्रम में ना पड़े, क्योंकि तारा जो डूबता है अस्त का, बाल तीन दिन बालत्व के और तीन दिन वृद्धत्व के जो हैं वो वर्जित हैं, इसलिए करवा चौथ मोखना शुभ नहीं है। टीवी चैनल वाले कुछ भी बोल रहे हैं, ये शास्त्र का नियम है, शास्त्रों में लिखा है, किसी को शंका हो तो बेशक वो समाधान कर सकता है। जय माता।